मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे और अच्छा ट्रेडिंग सेशन जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। काफ़ी हद तक जो ग्लोबल क्यूज है वो आज ठीक ठाक थे। डाउ फ्यूचर्स देखिए बंद होते होते हमारे अच्छा खासा पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। इनफैक्ट डेज हाई के आसपास जो है डाउ फ्यूचर्स बंद हुआ है, तो उससे काफ़ी हद तक जो है भारतीय बाजारों में मदद मिली। इसके अलावा आज जो म्यूचुअल फंड्स के लिए बेसिकली RBI ने जिस तरह के बड़े ऐलान किए हैं, जिस तरह का विंडो उनको प्रोवाइड किया गया है, वो एक कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दिया। तो ये दूसरा रीजन था जिसकी वजह से आपको मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। वैसे भी देखिए मार्केट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो बैंकिंग स्टॉक से ही मिला है, तो बैंकिंग NBFC कॉम्प्लेक्स जो है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली। और बैंक निफ्टी देखिए 2.5% के आसपास की गेंद जो है वहाँ देखने मिला है। निफ्टी और सेंसेक्स में भी 1.5% के आसपास की गेंद, इनफैक्ट मिड कैप को भी देखिए वहाँ भी करीब 1.6% के आसपास की गेंद जो है वो देखने मिले हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में देख रहा था 1.17:1, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 1.17 शेयर जो है वो बड़े हैं, यानी कि एडवांसेस ज़्यादा है डिक्लाइंस कम है। लेकिन जिस तरह का मूव आज देखने मिला ना मार्केट में, मुझे ऐसा लग रहा था कि एडवांसेस इससे भी ज़्यादा रहेंगे, हालांकि थोड़े कम है। ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि जो हैवी वेट्स है उसमें कहीं ना कहीं खरीदारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिली। और ये इसका आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है उसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से तेजी जो है वो देखने मिल रही है। और आज भी देखिए इस काउंटर में अच्छी खासी 1% के आसपास के गेन देखने मिले। तो इस तरह के हैवी वेट जब चलते हैं ना तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वैसे भी मंडे है तो जाहिर सी बात है उसमें डर की स्थिति तो है नहीं। दो दिन के बाद हम मार्केट खुले हैं और इसके पहले हमने देखा था कि क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज़ इस बार आई नहीं ज़्यादा बड़ी निकल के, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मार्केट में कुछ ना कुछ तेज़ी का दिन जो है वो वैसे भी बनता था। इसके अलावा तेज़ी का और एक कारण है, देखिए ये बात आपको समझनी होगी, आज के टाइम पे अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो कहाँ लगाएंगे? क्या आप FD में लगाएंगे जहाँ करीब 6% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आपको पैसा डबल करना है तो 10 साल से ज़्यादा लग जाएगा। क्या आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे? म्यूचुअल फंड तो छोड़ दीजिए, शायद म्यूचुअल फंड में तो आप लगा भी लेंगे। क्या आप किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे? नहीं, क्योंकि रिटर्न जो है वहाँ भी कम हो गए। तो जो ज़्यादा रिटर्न अगर आपको कमाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है इक्विटी मार्केट। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो है काफ़ी हद तक इक्विटी की तरफ जो है मूव करते हुए दिखाई दे रही है। आप गोल्ड में लगाना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप खुद ही सोच रहे कि गोल्ड देखिए अभी 46,000 के आसपास है, यहाँ से ज़्यादा क्या 1,000-2,000 पॉइंट के आसपास बढ़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कूल ऑफ तो होगा। तो बाकी एसेट क्लासेस जो है वो ऑलरेडी या तो अपने पीक पे है, या तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस है गिरावट के, या तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें कम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक जैसे आप देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो आते जा रहा है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि फंडामेंटली कुछ भी अभी तक नहीं बदला है। क्या कोरोना वायरस खत्म हुआ है? नहीं। इसके बाद कितनी और हालत ख़राब होगी इसके बारे में किसी को पता है? नहीं। आर्थिक आंकड़े जो है वो एकदम ख़राब आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, भले इंडिया के हो, ग्लोबल मार्केट्स के हो, सब जगह यही हाल है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट जो है वो चल रहे हैं। और उसके चलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लैक ऑफ अदर क्लासेस, उसकी वजह से आपको इक्विटी में देखने मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो देखने मिल रहा है। क्योंकि समझिए आज 9,000 के आसपास है, चलो ठीक है एक साल हो सकता है कि कोविड का इम्पैक्ट देखने मिले, उसके एक साल बाद हो सकता है कि आपको शायद मार्केट जो इकोनॉमी है उसमें सुधार में टाइम लगे, 2 साल के बाद तो चलेगा। और जब चलेगा तो 12,000 का लेवल फिर पकड़ेगा, यानी कि इस लेवल से 3,000 पॉइंट और बढ़ने वाला है। यानी कि कम से कम 3 साल में मुझे 30 साल के रिटर्न तो मिलेंगे। तो अगर उस लिहाज से अगर आप लगाए तो CAGR अपना 9% के आसपास रहेगी, जबकि अगर मैं किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाऊँ तो मेरी CAGR ग्रोथ उतनी तो रहने वाली है नहीं। तो इसके लिए कहीं इंटरेस्ट जो है आपको इक्विटी मार्केट में ज़्यादा देखने मिल रहा है। और मुझे याद है इसके पहले भी एक बार ऐसा सिनेरियो हुआ था जब जो बाकी ऐसे क्लासेस में रिटर्न थे, जैसे कि FDs में रिटर्न थे, ये काफ़ी कम हो गए थे, इसी तरह के लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने मिले थे, और तब इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी बेहतर हो गया था। और फिर से एक बार आपको उसी तरह का मूव जो है इक्विटी मार्केट में देखने मिल रहा है। इसके लिए आपको लगातार कह रहा हूँ फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है। ये 2-3 रीज़न है। एक तो जो टेक्निकल रीज़न हम आपको लगातार हाईलाइट करते जा रहे हैं कि 9,200 के ऊपर जाके अगर टिकता है, बंद होता है 9,260 का लेवल, आपको याद होगा मैंने लगातार आपको ये लेवल कहा था, उसके ऊपर जाके अगर बंद होता है तो कहीं ना कहीं 9,600 के लेवल जो आपको देखने मिल सकते हैं। आज भी देखिए 9,280 के आसपास कन्विक्शन है कि 9,600 के आसपास मार्केट जा सकता है। आज देखिए 17 मार्च के बाद पहले बार 9,400 को टच करने की कोशिश जो है वो मार्केट ने की थी, 977 के आसपास का हाई बनाया था।
तो ये सब साइंस जो बता रही है कि शायद 9600 तक मार्केट जा सकता है, तो उस लेवल को आपको वाउच करना होगा। और नीचे की तरफ 9200 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि 9250 का लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का जो लो है, लेकिन साइकोलॉजिकल अगर आप देखें तो 9200 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मार्केट में जो एक रैली है, एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि बाकी एसेट क्लासेस में पैसा लगाने के पास आपको इतना मौका नहीं है। तो एक जो एसेट क्लास बनता है जो एटलीस्ट आपको ये लगता है कि 3 साल में तो सुधरेगा, 30% का रिटर्न तो देके जाएगा, तो इसके लिए मार्केट में आज आपको इस तरह की तेज़ी देखने में, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों की तेज़ी देखने में मिल रही है, शायद ये कुछ दिनों तक तो जारी रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बुरी खबर आए जो आएगी आज नहीं तो कल, उसके बाद आपको गिरावट थोड़ी बहुत फिर देखने मिल सकती है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मयूर जैन IRCTC पे पूछे हैं कि आज ये गिरा क्यों। देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं था इस काउंटर में गिरावट का, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि अगर कोई काउंटर लगातार चलेगा तो थोड़ा कूल ऑफ तो होगा, ये तो आपको सोच के चलना चाहिए। और हमने आपको इसके पहले भी बोला था कि 1500 के लेवल के आसपास जाएगा, उसके बाद कूल ऑफ होगा, फिर आपको तेज़ी पकड़ते हुए काउंटर दिखाई देगा। तो देखिए, 1270 तक आ चुका है ये काउंटर, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कूल ऑफ होने की जगह यहाँ अभी भी बाकी है, लेकिन 1200 के लेवल के आसपास आ जाए, 1100 1150 1200 के आसपास, तो मेरे ख्याल से फिर आपको इस काउंटर को फिर से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि फिर से इस काउंटर में जो तेज़ी है आपको पकड़ते हुए दिखाई देगी। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इस काउंटर में थोड़ा और गिरने दीजिए, उसके बाद शायद आपको इस काउंटर में खरीदारी के लिए जो है अच्छे मौके फिर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, SBI कार्ड पे विपुल सवरिया पूछ रहे हैं कि SBI कार्ड, देखिए SBI कार्ड मेरा हमेशा से एक अच्छा हॉट फेवरेट रहा है। इस काउंटर में अभी अगर आप देखें तो फिलहाल ये किस लेवल पे, 551 552 के लेवल के आसपास है, मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे भी ये काउंटर जो है कि एक अच्छा खासा बेट बन जाता है। इस काउंटर में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, जैसे जैसे गिरता है वैसे वैसे और एक्यूमुलेट करे, मुझे लगता है इस काउंटर में काफ़ी दमखम है अभी भी, इसके लिए अभी भी आपको इस काउंटर में खरीदारी करके चलना चाहिए, इस काउंटर को छोड़ना नहीं चाहिए। इट्स अ गुड बेट एट दिस लेवल, इट्स वेरी अट्रैक्टिव एंड ल्यूक्रेटिव, इसके लिए खरीदारी करके चले। निधि पुरोहित पूछ रही है ACC। देखिए, ACC अपने 52 लो से ज़्यादा दूर तो है नहीं, 900 रुपये के आसपास इसका 52 लो है, फिर 1140 के आसपास ट्रेड करता है। हालांकि सीमेंट काउंटर्स में ये काउंटर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, नतीजे भी ठीक ठाक थे, अच्छे खासे नतीजे थे, लेकिन अब सब कुछ जो है फैक्ट्री ऑलरेडी हो चुका है इस काउंटर में, तो अब मेरे कैसे सीमेंट और स्पेस जो है उसमें अगर आपको बाइंग करनी है तो फिर बाकी है, जैसे कि JK लिए कि अब ज़्यादातर लोग जो है वो रिजल्ट के ऊपर अब रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आगे की अनसर्टेनिटी किसी को नहीं पता है। इसके मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सीमेंट स्पेस में लेना है तो कोई JK लक्ष्मी सीमेंट है या अल्ट्राटेक, ये जो है फिलहाल के लिए अच्छे बेट हो सकते हैं, इनके ऊपर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कुलिन शाह भेल पे क्या व्यू है? देखिए, भेल से मैं हमेशा दूर रहने की सलाह देता हूँ, खाने वाला भेल नहीं, वाला भेल जो है उस पर उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये काउंटर जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन लेवल पे भी है ये मैं जानता नहीं, ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपको लेना तो ले लीजिए, अच्छा लगता है इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा इस काउंटर में खरीदारी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बचता नहीं है, इसके लिए स्टे अवे फ्रॉम भेल। अच्छा, जिंदल स्टील के ऊपर मुझे सवाल पूछा जा रहा है, और ये अभिजीत आर्या है, जिंदल स्टील का टारगेट। देखिए, वैसे तो जिंदल स्टील का टारगेट है ना 150 के ऊपर आना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये पूरी स्पेस जो याद रखिए, ये जो ग्लोबली लिंक स्पेस है ना, मुझे इससे काफ़ी डर लगता है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इन काउंटर्स में आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना, ज़्यादा मेटल काउंटर्स से लगाव रखना है। तो JSPL एक अच्छा काउंटर है, 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपको ट्रेडिंग बैक के लिए ऐसे लेना है तो ले लीजिए, हो सकता है अगले कुछ दिनों में 90 तक जाते हुए काउंटर आपको दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा रिस्की काउंटर है, इसके लिए 90-95 के लिए ट्रेड के लिए आप इसको ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इस काउंटर में जो है कम से कम नहीं तो नहीं 78 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, अगर गिरता है तो शायद फ्री फॉल भी आ सकता है इस काउंटर में, इसके लिए ट्रेडिंग के लिए ऐसे लीजिए, फंडामेंटली कोई बड़ा ट्रेड इसमें लेने की जरूरत नहीं है। अनिल गोयल, HDFC AMC लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए अनिल, एक्चुअली है ना, मैं भी यही सोचता था कि करे क्या, अब फ्रैंकलिन ने जिस तरह से मूड बिगाड़ा था ना, उसके बाद डर लग गया था कि सबकी हालत खराब होगी, लेकिन मुझे बताइए क्या लोग AMC में पैसा लगाना बंद करेंगे? हो सकता है कुछ लोग बंद करें, लेकिन नहीं करते ऐसा लोग। अब मेरा एक फ्रेंड थे, जब ये फ्रैंकलिन का हुआ तो उन्होंने कुछ XYZ फंड में पैसे लगाए थे, उसमें से एक HDFC का भी था, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मुझे इनमें से पैसा निकाल लेना चाहिए, तो कुछ एक दो फंड्स के मैं नाम नहीं लूँगा, वो थोड़े मुझे डाइसी लगे, तो मैंने कहा इनमें से निकाल लीजिए, करीब 10 फंड में उन्होंने पैसे लगाए थे, मैंने कहा बाकी जो 8 है उनमें से आपको पैसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, और ख़ासकर उसमें HDFC का भी नाम था। तो
ये कुछ ऐसे ब्रांड्स है ना, HDFC का म्यूचुअल फंड, AMC हो, या फिर आपका किसी एक्सिस का हो, SBI का हो, इनसे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ अच्छे नाम हैं जो शायद दे आर योर टू स्टे। इनसे डिफॉल्ट की उम्मीद मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, मुझे लगता नहीं ये कंपनियाँ कभी भी डिफॉल्ट करेगी इसके लिए। और इनफैक्ट जब इस तरह का सिचुएशन बनती है कि आपको डर लगने लगता है कि भाई बाकी फंड हाउसेस में क्या होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं इन फंड हाउसेस पे ज़्यादा जाता है, क्योंकि आपको भरोसा है कि ये डिफॉल्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है उस लिहाज से भी HDFC, AMC हो, या फिर कोई भी AMC जैसी कंपनी हो, HDFC खास कर ऐसी AMC है जिसमें आपको भरोसा रखना चाहिए। 2500 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, देखिए इस काउंटर का 52 वीक हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में पैसा लगाना चाहिए, अच्छी बेट बन सकती है मेरे ख्याल से। वैसे भी देखिए आजकल रिटेल जो वो खुद सोचता है कि मैं एक AMC के पास जाके पैसा लगाऊँ तो मेरे लिए शायद ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप चाहिए तो HDFC AMC में पैसा लगा सकते हैं, मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा बेट बन के साबित होगा। अच्छा, BEML पे बप्पा विश्वास पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, 601 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए ये सब वो वाली स्टोरी है, क्या नाम है इनका, डिसइन्वेस्टमेंट वाली स्टोरी है, तो उस लिहाज से इनको प्ले करना चाहिए, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इनको में कुछ बनता नहीं है। 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ट्रेडिंग बेट लेना है तो ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है यहाँ से और 100 रुपये के आसपास की तेज़ी आपको देखने मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आपको इस काउंटर में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखना ही होगा, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ संभाल के ट्रेड करना, फिलहाल नॉट अ लॉन्ग टर्म बेट, हो सकता है आगे जाके बने, फिलहाल नॉट अ लॉन्ग टर्म बेट। अभिषेक शर्मा, JK पेपर शुड बाय, JK पेपर, अब इस कंपनी की कल बोर्ड बैठक है, बोर्ड बैठक क्यों है, बाय बैक के लिए। और देखिए अभिषेक जी, मैंने देखा है फिलहाल पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी कंपनी ने बाय बैक आई बैक किया है, प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो अगर इस कंपनी का कल बाय बैक की बैठक बैठक है, तो मुझे लगता है ये कंपनी का जो बाय बैक प्राइस होगा वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होना चाहिए, 102 के आसपास ट्रेड करें, इसके ऊपर होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब तक जितने मैंने देखे हैं बायबैक वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आए हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि उस लिहाज से अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद बायबैक में टेंडर कर देना, बस यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ मत करना है इस काउंटर में, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। प्रशांत ठक्कर टाटा एलेक्सी पे पूछे, देखिए टाटा एलेक्सी ऐसा काउंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस कंपनी के नतीजे भी आए, नतीजे भी जो थे वो इस कंपनी के ठीक ठाक थे, अच्छे खासे थे, और पिछले कुछ दिनों से अच्छे मोमेंटम में जो है ये काउंटर दिख रहा है। याद रखिए ये काउंटर जो है काफ़ी सारे ऑटो कंपनीज को जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं ना, खासकर जो EV व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, वो सप्लाई करने का काम करती है, तो मॉडल काफ़ी अच्छा है, आगे के दिन जो है इस कंपनी के काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। फिलहाल थोड़े शॉक आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में जो शॉक है वो देखने मिल रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से काउंटर जो है अच्छा चल रहा है, मेरे ख्याल से फंडामेंटली गुड बेट है, लेकिन इतना चलने के बाद देखिए 27 तारीख को 750 के आसपास ट्रेड करता था, 850 825 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको खरीदारी करनी है, थोड़ा एक्यूमुलेट अभी कीजिएगा, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिएगा, उसके बाद शायद और खरीदारी जो है वो इस काउंटर पे कर सकते हैं। फंडामेंटली एक अच्छा काउंटर मुझे अभी भी ये लगता है। चलिए अभी इसी नोट पे विदा लेते हैं, आपके जो बचे बचे सवाल है उनका जवाब हम कल देंगे, कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी समय पर, साथ ही सुबह सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। आपको बताएंगे कि मार्केट को कल ट्रेड कैसे करना है और ग्लोबली संकेत कैसे देखने मिल रहे हैं। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।